ओके सो पर द टेन थिन्ना और सामने है राहुल रमादंती। बहुत ज़्यादा इनके बारे में मुझे बोला जाता है कि इनकी मैचेस का एनालिसिस करो, वुमेंस डबल्स मेंस डबल्स के बारे में ज़्यादा करो, बट चीज़ क्या है, ये ऑडियंस पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा कम रहती है कि नहीं देखती, पता नहीं क्यों, ये चीज़ मुझे बहुत अलग है। एनालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं देखते लोग। तो चलो तो भी डिस्कशंस करते हैं। मेरे फेवरेट से वैसे पर द थिन्ना, तो भाई इनकी मैच के बारे में डिस्कशंस करते हैं। 2 से 3 रिलीज देखते हैं, देन कौन कहाँ पर अटकता है, किसकी गेम बेटर है, कौन कहाँ पे जाता है, कैसे नहीं, उसके पूरे बारे में डिस्कशंस करेंगे। 1-2 साल 2022 की है शायद ये मैच, तो डिस्कशंस वैसे ही होगा कि तब कैसे थे वो लोग। अभी मैं डिस्कशन ये नहीं करूँगा कि अभी इनकी गेम कैसी है वैसी है। ऑफकोर्स कुछ रेफरेंसेस देने होंगे तो अलग बात है, 1-2 रिलीज देख लेता है। ये तो शायद अभी ये पूरे मैच में ही आने वाला है उसके बारे में डिस्कशंस वीडियो उसके बारे में। ओके सो पहला पर्लेट एंड थिन्ना लोग जीतने वाले हैं। अब मैच स्टार्ट हुई है, ये रिलीज देना देखना शुरू करो। बढ़िया कोऑर्डिनेशन छोटी सी। ओके बढ़िया, सेंटर में बहुत बहुत बेटर रहता है सेंटर में अगर आप हिट शॉट्स को हिट करो। नाइस, जगह खाली थी। राहुल रमादंती थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कुछ हुआ हो सकता है, मे बी थोड़ी इंजरी है, कुछ भी हुआ हो सकता है, थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं। बाकी बहुत पावरफुल ये पैर है, बहुत ज़्यादा, दोनों राहुल रमादंती वाले इतना स्लो नहीं खेलते वो लोग। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाइस, बहुत बढ़िया स्मैश। ये लास्ट रैली देखते हैं, फिर कुछ डिस्कशंस करता हूँ मैं आपके साथ। ओके देखो कुछ चीज़ें जो वुमेंस डबल्स या फिर डबल्स एज अ बैडमिंटन डबल्स के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी रहता है, वो ये है कि अटैक से ही गेम जीती जाती है। देखो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ड्रॉप से होता है। ऑफकोर्स ड्रॉप्स आप कभी 5-6 स्मैशेस के बाद ड्रॉप मार रहे हो तो ठीक है। हम सिंगल्स में क्यों उतनी ज़्यादा स्मैशेस नहीं मारते, हमको जब पॉइंट मिलता है तब मिलता है तभी स्मैश मारते हैं। पूरा एक कोर्ट हमें खुद संभालना होता है, और अगर हमने स्मैश मारी और सामने वाले ने क्रॉस कोर्ट रिटर्न कर दिया ना, तो हम उसे रिटर्न नहीं कर पाने वाले, ख़त्म है, फिनिश है। इसीलिए हम स्मैशेस तभी मारते हैं सिंगल्स के अंदर। ये रूल हमेशा रखना कि साइडवेज जितना हो सके उतना मारो, अपोनेंट से दूर मारो। ऑफकोर्स बॉडी स्मैशेज अलग होती है, अगर सामने वाला बॉडी स्मैशेज डिफेंड नहीं कर पा रहा है तो भी सिंगल्स में जितना हो सके उतनी अवॉइड ही करो, उतने साइडवेज ही खेलना होता है सिंगल्स में। बट बात तब वहाँ पर स्मैशेज क्यों नहीं मारते इतनी ज़्यादा, वो आपको आइडिया आ चुका होगा, मैं बता चुका हूँ। और डबल्स में क्यों इतनी ज़्यादा स्मैशेस होती है, क्योंकि आपको पता है कि आप अटैक करोगे, आपका जो मतलब आपका क्या कहते हैं पार्टनर है वो आगे फ्रंट कोर्ट में खड़ा ही होगा। जब अगर आप जाके फेस स्मैश मार रहे हो पीछे, तो आपका पार्टनर आगे खड़ा होगा, या फिर जब आपका पार्टनर पीछे जाके स्मैशेस मार रहा है तो आप आगे खड़े होगे। होता क्या है, जब सामने वाला थोड़ा भी डिफेंड करे ना, जब स्मैशेस को डिफेंड करेगा, फॉर एन एग्जांपल मैंने पीछे जाके स्मैश मारे, ठीक है, एक मेरे अपोनेंट को मारे, तो अपोनेंट अगर उसे फ्लैट रिटर्न करने की कोशिश करेगा ना, तो मेरा जो पार्टनर है वो आगे ही खड़ा है और आगे जाके वो फिनिश कर देगा, उसके आसपास ही होगा शटल, ठीक है। तो करते क्या है लोग, उसको हाई डिफेंड करते हैं। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि स्मैशेस को लोअर डबल्स में हाई लिफ्ट क्यों करते हैं, मतलब जब डिफेंड करता है ना अपोनेंट तो इतना हाई क्यों करता है। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर फ्लैट रिटर्न किया या फिर थोड़ा स्लो रिटर्न किया तो आपका पार्टनर तो आपके साथ आगे ही खड़ा है, वो आगे जाके टैप करके फिनिश कर देगा, उसके अगर रेंज में होगा तो फिनिश कर देगा। इसलिए डिफेंस हमेशा आपको हाई लिफ्ट करनी होती है। तो अगर मैंने हाई लिफ्ट की तो ऑफकोर्स जैसे मैंने स्मैश मारी, सामने वाले मतलब मेरा अपोनेंट है उसने हाई लिफ्ट वापस की, तो मैं अगेन स्मैश मारूंगा। स्मैश मारने की मीनिंग ही ये है कि मैं पॉइंट्स लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा जो पार्टनर है ना वो कवर अप कर लेगा, तभी मैं स्मैशेज और अटैक कर रहा हूँ। ऑफकोर्स वतनाबे और कुछ अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जो जंप लेने के बाद है ना शॉट्स को ड्रॉप में चेंज कर देते हैं। टॉसेस आप ना बराबर देखोगे डबल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा कम होती है टॉसेस। टॉसेस का मीनिंग ये है कि सामने वाले को चांस दे देना कि स्मैशेस मारो। तो अटैक कहाँ पे करना है, सेकंड चीज़ ये आपको अगर क्लियर हो गया हो कि मैंने स्मैश मारी तो लिफ्ट सामने वाला हाई ही करने वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ऐसे हैं। तो सही, सेकंड चीज़ जिसके बारे में हमें डबल्स में डिस्कशंस हमेशा करने चाहिए,
और ये इम्पोर्टेंट होता है वो है कोऑर्डिनेशन। तो रहायु रमदंती ऑफ कोर्स पोली नाम से थी जो रहायु के साथ है, रहायु या रमदंती पहले खेलती थी, तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उनके बाद उनकी नई पार्टनर आई है, तो आई थी मतलब कुछ साल हो चुके हैं ऑफ कोर्स, बट इनकी गेम प्ले मुझे जब पोली के साथ वो खेलते थे ना तो उनके बाद भी उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे, दोनों के दोनों उतने ही पावरफुल, उतने ही बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन उन दोनों का रहता है। मैं इंडोनेशियन पेयर की बात कर रहा हूँ, रहायु रमदंती की, तो उनका कोऑर्डिनेशन वही का वही है। तो अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो पर्लिटन और थिन्ना, अगर आपके इंटरव्यूज़ और वो सब आप जाके देखो, वो बचपन से दोनों एक साथ खेल रहे हैं, तो सोचो किस लेवल का कोऑर्डिनेशन दोनों का होगा। वही चीज़ रिफ्लेक्ट करती है गेम के अंदर कि कोऑर्डिनेशन दोनों पर्सन का कितना बेटर रहता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो रहायु रमदंती भी बहुत बढ़िया है, और उनके सामने जो मतलब पर्लिटन थिन्ना, उनका भी कोऑर्डिनेशन उसी लेवल का बहुत ही बढ़िया है। सेकंड चीज़ जिस पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोऑर्डिनेशन के बाद भी, कि रोल आप दोनों को पता होना चाहिए। मिक्स डबल्स में बहुत बार मैं डिस्कशंस ऐसे किए हैं कि मैन बहुत ज़्यादा पीछे जाके पावर जनरेट करते हैं और वुमन गार्ड करती है फ्रंट कोर्ट को, बट क्या होता है जब दोनों मतलब मैन खेल रहे हो या फिर दोनों वुमेन्स खेल रहे हो, तब डिसाइड करना होता है कि ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई एक प्लेयर होगा ना, उसकी स्मैशेस बहुत ही बढ़िया होगी, स्मैशेस इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा अच्छी स्मैशेस वो मारता होगा कि उसका जो पार्टनर है ना वो उससे तो बेटर नहीं मार। ऑफकोर्स जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सात्विक और चिराग को ले लो, दोनों के स्मैशेस जाके देखो कितने बढ़िया स्मैशेस दोनों के दोनों लगाते हैं, बट जब पावर की बात की जाए ना तो सात्विक चिराग से थोड़े बेटर रहते ही है। तो इसी को बोलते हैं कि जो है बोलते हैं ना कि एक दूसरे का आपको रूल्स पता है कि कौन कितना ज़्यादा बेटर है कौन सा नहीं। अगर चांसेस मिले तो 10 में से 6 स्मैशेस मारेंगे सात्विक और 4 मारेंगे जो चिराग है वो, और चिराग जो करेंगे ना वो 10 में से 6 टाइम्स वो फ्रंट कोर्ट को कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत बेटर है फ्रंट कोर्ट में। और अगर सात्विक की बारी भी आई अगर आगे जाने की तो 10 में से सिर्फ 4 ही बार वो ये चीज़ करेंगे। तो ऐसे रोल डिवाइडेड होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि 7-8 बार स्मैशेस सिर्फ सात्विक मारेंगे, ये तो फिर ऐसा ही होगा कि पूरा एक ही पार्ट एक बंदा कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं मिक्स डबल्स की डिस्कशंस नहीं कर रहा हूँ, मिक्स डबल्स टोटली अलग चीज़ होती है। डबल्स के ऑफकोर्स रूल्स है कोऑर्डिनेशन वाले एक रहते हैं, बट ये वाली चीज़ होती है। तो वुमेंस डबल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियरली, तो पावरफुल इस चीज़ में अगर देखो तो मलेशियन पेयर पर्लिटन और थिन्ना, उसमें से पावरफुल पर्लिटन है, उनके स्मैशेस जाके देखो कितनी बढ़िया स्मैशेस वो लगाती है। देन रहायु रमदंती, ये एक पैर जो मैंने बहुत कम मतलब रहायु हुए उनकी स्मैशेस बहुत बढ़िया जंप स्मैशेस पीछे से रहती है, रमदंती वहीं पे वो फ्रंट कोर्ट अच्छा खासा कवर कर लेती है। तो ये रहे उनके बोलते हैं ना कि वो एक रोल डिसाइडेड हो गया, ये चीज़ हमेशा डबल्स खेल रहे हो आपको पता होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैं सिर्फ फ्रंट कोर्ट पकड़ूंगा या फिर मैं सिर्फ बैक कोर्ट पकड़ूंगा, अगर मेरे अटैक्स अच्छे हैं तो मैं सिर्फ अटैक ही करता रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बोलते हैं ना कि 10 में से 6 बार आपको स्मैशेस मारनी अगर आप अटैक अच्छा कर रहे हो, और आपके आपके पार्टनर को एक बार रोटेट करके पीछे आना ही पड़ेगा। आप कंटिन्यू 15-20 स्मैशेस नहीं मार सकते, आप थक जाओगे, थकने के बाद आपके स्मैशेस भी ड्रॉप जैसे जाएंगे और वहीं पर आपका अपोनेंट वहीं पे आपको मतलब कुछ भी करके पॉइंट्स आपके सामने ले लेगा। तो क्या करना है वहाँ पे, आपने 5-6 स्मैशेस मार ली, सामने वाला अच्छा खासा डिफेंड कर रहा है, एक ड्रॉप लगाओ, आप आगे जाओ, आपके जो पार्टनर है उनको पीछे भेजो ताकि अब वो स्मैशेस मारे। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप, और ऐसे ही बनती है एक वुमेंस डबल्स या मेंस डबल्स, और वह मिक्स डबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इसी चीज़ में दोनों के दोनों ये पेयर जो अभी खेल रही है मुझे दोनों के दोनों एक जैसे ही लगती है, क्या दोनों पेयर बहुत ही बढ़िया एक नेक्स्ट लेवल का गेम प्ले दिखाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अगर हम डिस्कशंस करें तो इसके लिए पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्कशंस हम डिफेंस पे एक कर लेते हैं कि दोनों पैर में से डिफेंस किसका अच्छा है। तो एक चीज़ नोटिस करना आप कि पर्लिटन कितनी भी पावरफुल स्मैशेज मार ले, कितने भी थिन्ना पावरफुल स्मैशेज मार ले, जो इंडोनेशियन पैर है ना रहायु रमदंती, उनको डिफेंड कर रहा है वो, और डिफेंड भी ऐसा है कि वो बहुत पीछे तक देखो यहाँ पर स्मैशेज देखो स्मैश डिफेंड हो रही है यहाँ पे अभी भी देखो, फ्रंट कोर्ट में वो पॉइंट्स ले रहे हैं वो अलग बात है, स्मैशेस डिफेंड हो रही है। तो वही चीज़ होती है कि एक वीडियो मैंने देखा था गोवी शम का था, वो इतनी ज़्यादा स्मैशेस मार रहे थे, इतने ज़्यादा लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया उनको कि यार कितनी पावरफुल स्मैशेस है, बट
किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि उनके सामने जो डिफेंडर था ना, उन्होंने उनकी सारी पावरफुल स्मैशेस, भाई 300-400 के आसपास की स्मैशेस थी, सारी की सारी डिफेंड की थी। तो डिफेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सामने वाला कितने भी स्मैशेस मार ले, 6-7 स्मैशेस के बाद वो थकने ही वाला है। तो आपने अगर 6-7 स्मैशेस डिफेंड कर ली बहुत बढ़िया तरीके से, लिख के ले लो, आप बहुत बढ़िया नेक्स्ट डबल्स प्लेयर बन सकते हो, बहुत बढ़िया वाले। तो यहाँ पर डिफेंस इन दोनों के बारे में इतना ही था। और वीडियो में अगर आपको कुछ इंक्लूड करना हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये वीडियो तो भाई ऑफकोर्स पर्ली टेन इस मैच को जीत चुकी है।